खबर रीवा जिले के नई गढ़ी से है, जहां नई गढ़ी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद श्रीमती अजीता पटेल और उनके पति कमलेश पटेल ने आज नई गढ़ी स्वास्थ्य विभाग के पोषण पुनर्वास केंद्र में पहुंचकर नवजात शिशुओं को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए गीजर भेंट किया। इसके पहले भी आपको बताना चाहूंगी कि नई गढ़ी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद अजीता पटेल के द्वारा अपने वेतन को आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाने हेतु उनके सुरक्षा के लिए दिया जा चुका है। पार्षद वार्ड क्रमांक 5 के इस मुहिम की लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। नई गढ़ी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद अजीता पटेल एवं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि कमलेश पटेल के द्वारा लगातार जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहना है राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि कमलेश पटेल जी का। पिछले ठंड में जब मैं निरीक्षण में आया था तो यहाँ ठंड की वजह से बच्चों को भाप देने में समस्याएं हो रही थी, और उसी समय हमने निर्णय ले लिया था कि कुपोषण पुनर्वास केंद्र में गीजर अगर हो जाता है तो उसके वजह से छोटी छोटी समस्याएं दूर हो। तो हमें और हमारी वाइफ पार्षद वार्ड क्रमांक 5 दोनों ने ये सलाह किया कि भाई अगर उनको दे दिया जाए तो अपन एक जनहितार्थ काम भी हो जाएगा और अच्छा भी होगा। तो दोनों ने ये था कि अगली बैठक जब परिषद की होगी उसी दिन करेंगे, उस दिन घोषणा भी करके गए थे। तो आज हमारे यहाँ नगर परिषद की बैठक की और उसी में हम लोगों ने रीवा से इसको लेके आए और हमने कहा कि हैंड ओवर कर दिया जाए। और मैं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी चाहूँगा कि जो छोटी छोटी समस्याएँ हैं इसके लिए सब सहयोग करें तो कुछ समस्याएँ हम लोग अपने स्तर पर ही निपटा सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार पटेल, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और अब पार्षद वार्ड क्रमांक 5 अजीता पटेल।